माननीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय, बैठो, माननीय डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा साहब, माननीय आर्या जी, वरिष्ठ बीजेपी के नेता, राष्ट्रीय सेवा में अवतरित होने में विलंब हो गया उसके लिए क्षमा चाहता हूं मंच से। मुझे अपनी ऊर्जा का प्रयोग पहले करना चाहिए था, और मैं क्यों आया हूं उसके लिए मात्र एक मिनट लेना चाहूंगा, एक मिनट से जान ले। मान सम्मान और स्वाभिमान, सबसे पहले व्यक्तित्व को जिंदा रखने के लिए, आवाज ठीक आ रही है? आ रही, आधी पानी की वजह से हो रहा है, आप तो बोलते रहो। सबसे पहले व्यक्तित्व के जिंदा रहने के लिए मान सम्मान और स्वाभिमान आवश्यक है। मैं ये मान के चलता हूँ बीजेपी एकमात्र पार्टी है जहाँ व्यक्ति का मान है, सम्मान है, स्वाभिमान है। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाह रहा हूँ, 4 महीने में कांग्रेस में रहा, कितना दमित, कितना शोषित, कितना पीड़ित रहा, तो लगातार यात्रा करते करते व्यक्ति को अनुभव होता है। दलितों की बात करते हैं, अनुसूचित जाति की बात करते हैं, आदिवासियों की बात करते हैं, लेकिन अभी तक इतने लंबे समय तक कांग्रेस ने राज्य किया, एक भी द्रौपदी मुर्मू नहीं दे पाए वो, एक भी कोविंद साहब नहीं दे पाए, एक भी यादव जी नहीं दे पाए। अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ों का वास्तविक हित, जो मैं भ्रमित रहा बहुत लंबे समय पर, सिर्फ बीजेपी ही कर सकती है। एक तो यह तय किया मैंने, दूसरा मित्रों, आदरणीय अध्यक्ष जी, राष्ट्र है तो समाज है, और समाज है तो हम हैं। यदि राष्ट्र नहीं है तो कोई नहीं है। राष्ट्रीय अस्मिता जो माननीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में भारत के विश्व तक में हुई है, वो कहीं नहीं हुई, कभी नहीं हुई, और कांग्रेस कभी भी नहीं कर सकती। मैं खुल के बोलना चाह रहा हूं, राष्ट्र को जीवित रखने का काम बीजेपी ने किया है, इसे राष्ट्र की सेवा करने का मौका मिलेगा। तीसरी बात आखिरी करना चाहता हूं, राम जो मुख्य विषय ने मैं झंझोड़ा, झिझकोरा, रात पर सोने नहीं दिया, मैं भी सनातनी हूं, मैं भी हिंदू हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं, कुल सचिव के पद पर रहा हूं, आदरणीय माननीय वर्मा शर्मा जी को मालूम है, भोगा है, देखा है, आपके साथ काम किया है, राम अकेले हिंदू और सनातनियों के नहीं है, राम पूरे विश्व के हैं, राम हमारे आराध्य पुरुष हैं, राम संस्कृति सभ्यता के प्रतीक हैं। यदि हम मुगलों द्वारा हमें मिटाया गया, हटाया गया हमारी संस्कृति को, ये जिसको पुनर्स्थापित करते हैं, तो हमें जिंदा दिल से कह देना चाहिए कि भारतीय सभ्यता को जिंदा करने की बात कर रहे हैं, भारतीय संस्कृति को जिंदा करने की बात कर रहे हैं, हमारे पूर्वजों को जिंदा करने की बात कर रहे हैं। और माननी इतना कह के मैं जाना चाह रहा हूं, तूने चाहा नहीं दूसरी पार्टी, तूने चाहा नहीं हालात बदल सकते थे, और मेरे आंसू तेरी आंखों से निकल सकते थे, तुम तो ठहरे रहे झील के पानी की तरह, और दरिया बनते तो बहुत दूर निकल सकते थे, कोई पार्टी दरिया नहीं बनी। धन्यवाद, जय हिंद, जय बीजेपी। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय, कर ले, कर ले, मैं निवेदन करूंगा कि हमारी पार्टी में शामिल आज सभी कार्यकर्ताओं का वो मार्गदर्शन करें, आदरणीय पीडी शर्मा जी, इसको छोड़ दीजिए, चालू है। आज भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में कई प्रशासनिक अधिकारी, रायसेन जिले के कांग्रेस के वहां के कई वरिष्ठ लोगों ने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। भोपाल की प्रदेश की महामंत्री कांग्रेस की, उन्होंने भी भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। तो ऐसे श्रीमती रश्मि मिश्रा प्रदेश संगठन मंत्री महिला कांग्रेस, मिट्टू लाल धाकड़ जिला महामंत्री पिछड़ा मोर्चा रायसेन सरपंच हैं, और कई पूर्व सरपंच 20 से ऊपर संख्या में आज उन्होंने सदस्यता ग्रहण की है। बी भारती जो शिक्षा के क्षेत्र में लंबे समय तक काम किया, और दलित समाज के लिए उनकी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका एक विचारक के नाते से हमेशा रही है, तो उन्होंने भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो विश्वास व्यक्त किया है, तो ऐसे सभी लोगों के साथ भंवरलाल पटेल पूर्व जिला पंचायत के अध्यक्ष, श्रीमती प्रतिभा शुक्ला पूर्व महिला मोर्चा अध्यक्ष, मिथिलेश शर्मा पूर्व जनपद उपाध्यक्ष गैरतगंज, ऐसे सभी जो लोग हैं आज बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी की, जिनने सदस्यता ग्रहण की, मैं उनको भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के परिवार में बहुत स्वागत करता हूं। और इस अवसर पर हमारे आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी, लाल सिंह आर्य जी और सभी लोग यहां पर उपस्थित हैं,
तो भारतीय जनता पार्टी के परिवार में लगातार पूरे देश के अंदर और प्रदेश के अंदर, आज मैंने भी कहा कि जरा दुपट्टों का ऑर्डर और दे दो, क्योंकि बूथ लेवल पर भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों के भाव और भारतीय जनता पार्टी में आकर वो देश और समाज की सेवा करने में लोग आज लगातार आगे आने का प्रयास कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की हमारी टीम नरोत्तम जी के नेतृत्व में बेहतर इस अभियान को और गति दे रही है, तो इसलिए मैं उन सभी लोगों को जिन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, मैं आप सबका बहुत स्वागत करता हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी अपने आप में एक परिवार है, आप इस परिवार के सदस्य बने हैं, इसलिए यहाँ देश के लिए, समाज के लिए, गरीब कल्याण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भारत दुनिया के अंदर सिर्फ और बन रहा है, 2047 का हमारा संकल्प है कि विकसित भारत बनेगा, ये विकसित भारत के संकल्प के साथ हम सब लोग आगे बढ़ेंगे। मैं आप सबका बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, सभी को धन्यवाद, मीडिया के मित्रों को।